तो पिछली वाली वीडियो में मैंने सर्वाइव किए थे टोटल 25 डेज एक स्नो ओनली बायोम वाले वर्ल्ड में, और इस वाली वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ फिर से 25 डेज उसी वाले वर्ल्ड में, मतलब टोटल 50 डेज। पर ये वाली वीडियो देखने से पहले तुम लोग पिछली वाली वीडियो देख लेना तो काफी सही रहेगा। एंड अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 26 को मैं अपने वर्ल्ड पे स्पॉन हो गया था, एंड उसके बाद भाई मैं अपने घर के अंदर गया और दरवाजे को बंद कर दिया, और फिर मैं अपने प्यारे से डॉगी को हाय बोला और उसके थोड़े से आगे ही मैंने अपने बेड को प्लेस कर दिया, क्योंकि पिछली बार हम लोग गए थे एक ट्रेजर मैप को फाइंड करने और मैंने काफ़ी सारी चेस्ट भी लूटी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दो चेस्ट बनाई क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा सामान था तो उनको स्टोर करने के लिए चेस्ट तो चाहिए। एंड इसके बाद भाई मेरे पास जितना भी फालतू सामान था मैंने उसको चेस्ट में स्टोर कर दिया, और इसके बाद फिर मेरे पास आयरन थे जिनसे मैंने अपने आयरन के टूल बना लिए क्योंकि स्टोन के टूल्स कब तक चलते रहेंगे। और इसके बाद फिर मैंने आयरन को सेफली चेस्ट में स्टोर कर दिया और भाई मैं चला गया नेदर में क्योंकि मुझे नेदर फोर्ट्रेस फाइंड करना था। और भाई मैं देखता हूँ कि मेरा स्पॉन काफ़ी अच्छा तो नहीं पर सेफ था क्योंकि मैं एक गुफे के अंदर भाई स्पॉन हुआ था जो काफ़ी सही था मेरे ख्याल से। अब भाई थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे खुला एरिया दिखता है तो फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। काफ़ी देर तक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने पर भाई नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिलती और मेरा फूड भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैंने जितनी भी लूट लूटी थी नेदर से मैंने उनको चेस्ट में सेफली स्टोर कर दिया। एंड इसके बाद मैं थोड़े से वीट तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे खाने की सख्त ज़रूरत थी, पर भाई उनसे एक ही ब्रेड बन पाती है पर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था, पर ठीक है चल जाएगा। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जानवरों को फीड कराता हूँ क्योंकि बाद में इनको भी तो खाना ही बनाना है। और थोड़ी देर बाद भाई मैं यही काम करता हूँ, उनमें से कुछ शिप्स को मैं मार देता हूँ कि मेरे लिए खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, मेरा हंगर बार एकदम डाउन हो चुका था। एंड इसके बाद मैं अपने डॉगी को थोड़ा सा रॉटन फ्लैश खिलाता हूँ एंड इसके साथ भाई उस खाने को पकाकर खा लेता हूँ जिससे मेरा हंगर बार फुल हो जाता है। और इसके बाद भाई रात हो रही थी इसलिए मैं जाकर बेड में सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई एक्सप्लोरिंग के लिए निकला जाए क्योंकि हमारे पार्ट में कोई और अनोखी चीज़ थी नहीं, इसलिए फिर मैं निकल जाता हूँ काफ़ी लंबी एक्सप्लोरिंग के लिए। और थोड़ी देर बाद भाई यहाँ पर मुझे एक गोट मिलती है, लिटरली मैंने इसको पहली बार दिखा था पर फूड के टेंशन की वजह से मैंने इसको मार दिया। मैंने सोचा यहाँ से कुछ फूड वगैरह मिल जाएगा पर भाई इससे कुछ मिला ही नहीं, मतलब इसका कोई काम ही नहीं था। एंड इसके बाद मैं आगे निकल जाता और थोड़ी देर बाद यहाँ मेरा मौत से सामना होता है, पर किसी न किसी तरह भाई मैं इससे बच जाता हूँ। और यहाँ से निकलते निकलते भाई काफ़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर फाइनली मुझे ट्री दिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मुझे एक रोइंग पोर्टल मिल जाता है। और यहाँ की चेस्ट मुझे कुछ खास लूट मिली नहीं, फिर भी मैंने इसको सभी कलेक्ट कर लिया क्योंकि फ्री का कुछ भी मैं नहीं छोड़ता। अच्छा और यहाँ के भाई गोल्डन ब्लॉक को कैसे भूल सकते हैं, इसको भी मैंने फटाक से जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर रात होने वाली थी इसलिए फिर मैं वहीं पर बेड लगाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने घर वापस जाने लगता हूँ क्योंकि मुझे कुछ खास मिला नहीं था इस एडवेंचर से। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे एक प्यारा सा वाटरफॉल दिखता है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था जैसे तुम लोग देख सकते हो। और थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ भाई, और घर पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाना पकाता हूँ जो मुझे जानवरों को मार कर मिला था रास्ते में। और यहाँ पर भाई चेस्ट में फिर मैं अपनी लूट को सेफली सेफ रख देता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ और भाई लोग मैं वापस निकल जाता हूँ एक्सप्लोरिंग के लिए क्योंकि पिछली वाली एक्सप्लोरिंग से मुझे कुछ खास मिला नहीं था, इसलिए फिर मैं वापस निकल जाता हूँ एक्सप्लोरिंग के लिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे अंडर वाटर एक रोइंग पोर्टल मिलता है, और भाई इसके अंदर जाने पर यहाँ पर मुझे एक अच्छी लूट तो मिलती नहीं, फिर से वही चीज़ मिलती है तो जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और सारी रातें बोट की मदद से मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मुझे एक और आइलैंड मिलता है जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज थे, और इसको एक्सप्लोर करते करते फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ से मुझे नॉर्मल ट्री मिल जाते हैं माइनक्राफ्ट के। यहाँ से मैं काफ़ी सारे सैफलिंग वगैरह भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मुझे थोड़े पम्पकिन वगैरह भी मिलते हैं जिन्हें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्लेन्स बायोम तो मुझे लगा यहाँ पर कोई आसपास विलेज मिल जाता है, इसलिए मैं काफ़ी देर विलेज ढूंढता पर विलेज नहीं मिलता, पर यहाँ पर एनिमल काफ़ी सारे थे जिनको मार कर मैं खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद भाई मैं घर वापस आ जाता हूँ और मेरे पास फूड तो काफ़ी सारा हो चुका था और काफ़ी सारे लूट भी हो चुकी थी। एंड इसके बाद मेरे पास जितनी भी सैपलिंग्स थी उनको मैं प्लांट कर देता हूँ जिससे हमारा बेस और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। और इसके बाद मैं चला जाता हूँ डायमंड माइनिंग के लिए क्योंकि मेरे पास डायमंड एक भी नहीं था। माइन के अंदर पहुंचते ही भाई यहाँ पर मुझे एक जॉम्बी विलेजर मिलता है जिसे मैं मार देता हूँ क्योंकि मुझे इसको क्योर नहीं करना था। इस वाली केव से मुझे काफ़ी सारा एनिमल मिल रहा था जिसे मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर एक मुझे गहरी केव मिलती है जहाँ पर मैं माइनिंग करने का सोचता हूँ, और थोड़ी देर बाद भाई माइनिंग करने पर हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड मुझे मिल जाता है जिसे मैं जल्दी से भाई चारों तरफ इधर खुला करता हूँ और यहाँ पर सारे डायमंड को माइन कर लेता हूँ।
और यहाँ से टोटल मुझे 6 डायमंड मिलते हैं। एंड इसको माइन करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक और डायमंड मिलता है, पर वो लिटरली एक ही डायमंड था, इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं वापस केव में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे डायमंड नहीं मिल रहे थे। मैंने सोचा केव वगैरह में मिल जाएंगे, पर यहाँ पर मुझे आयरन वगैरह ही मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक स्लाइम मिलता है, जिसे मैं मार देता हूँ। तो ये मेरा फालतू में मुझसे लड़ाई कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। और थोड़ी देर बाद मैं वापस से माइनिंग के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था। और यहाँ पर मुझे एक वापस से केव मिलती है, जहाँ पर भाई लावा था। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर डायमंड शायद हो सकते हैं, इसलिए फिर मैंने लावा को ऑब्सीडियन में बदला और धीरे धीरे उस पार जाने लगा। पर यहाँ पर मुझे एक और केव मिलती है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे डायमंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायमंड नीचे वाले लेवल पर मिलते हैं। एंड इसके बाद भी मैं घर आ जाने के लिए वापस ऊपर की ओर डिग डाउन करने लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रैप हो चुका था और मेरे पास फूड भी उतना ज़्यादा नहीं था। देर भाई ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास साथ बहुत खतरनाक सीन हो जाता है, मैं बर्फ़ में फंस जाता हूँ, जो मैं मरने ही वाला था। फाइनली मैं बर्फ़ को तोड़कर बाहर निकल जाता हूँ। और इसके बाद मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद मैं यहाँ पर डायमंड की पैंट बना लेता हूँ, क्योंकि वही बस बन सकती थी। एंड यहाँ पर मेरे लगाए हुए ट्रे भी उग जाते हैं, जिन्हें मैं जल्दी से काट लेता हूँ। और इसके बाद मैं सोचता क्यों ना अपने घर को अपग्रेड किया जाए, इसलिए फिर मैं इसको अपग्रेड करने के लिए भाई रिसोर्स वगैरह कलेक्ट करता हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। और अब तुम लोग एंजॉय करो प्यारा सा टाइम लैप्स। तो फाइनली मेरा घर बनकर बिल्कुल रेडी है, और इसको बनाते बनाते मैंने 25 डेज सर्वाइव भी कर लिया। और अगर तुम लोग को घर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना घर ओपी। और भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।